यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे सियालकोट से, जहाँ पर खुशियों भरा कर जो है मातम कदा में तब्दील। सियालकोट में बाप के कत्ल के मुकदमे की पैरवी करने वाला बेटा महाजीन के हाथों कत्ल। मकबूल की बेटी की आज शादी थी, खुशियों भरा घर मातम कदा में तब्दील। कत्ल की वारदात के दौरान SHO चंद कदम पर खड़े तमाशा देखता रहा, SHO एक कदम आगे ना बढ़ा। सियालकोट थाना सदर के इलाका बडाल में तरीना दुश्मनी की रंजिश और कत्ल के मुकदमा की पैरवाई करने पर महालफीन ने फायरिंग करके 45 साल राशिद को कत्ल कर दिया। मकतूल राशिद के बाप को 4 माह कबल अदनान असद वगैरह ने कत्ल किया था और मकतूल राशिद बाप के कत्ल के मुकदमे का मदई था। महालफीन मुकदमा की पैरवाई से मना करते रहे और आज उन्होंने राशिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल राशिद की बेटी की आज शादी की तकरीब थी और खुशियों भरा घर मातम कदा में तब्दील हो गया। राशिद के कत्ल पर वर्षा ने थाना सदर के पुलिस के खिलाफ नाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और पुलिस की रवायती बेहसी पर नारेबाजी की। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मकतूल के वर्षा की तरफ से अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मिलने पर मुजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और कैमरामैन मुंशराज के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट।